सुंदरम शिवानी सहिताय नमः पितृमातर नमः पूज्य गुरुवर नमः राजा गुरु जन प्रजा सर्वे सादर नमः मांग लव कुश ने छेड़ा सरस राम कथा का राग धर वचन परायण धर्म धुरंधर कही उनकी कथाएं भूमि अयोध्या धाम की यही जन्म भूमि है पुरुषोत्तम गुण राम की यही जन्म भूमि है पुरुषोत्तम गुण राम की ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की चैत्र शुक्ल नवमी तिथि आई मध्य दिवस में राम पधारे मांगे दशरथ के दृग तारे बोले राम लखन निधिया है हमारे काम की हम कथा सुनाते पुरुषोत्तम गुण राम की ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की के हृदय अधीर कर भरतर कश्मीर चल दिए विश्वामित्र संग लखन और रघुवीर प्रथम ही राम ताड़ का मारी की मुनि आश्रम की रखवारी बिन फरबान मरीच कुमारा सच योजन गिरा सागर पारा व्यथित अहिल्या
जनकपुर करके गंगा स्नान। सिया का भव्य स्वयंवर है, सिया का भव्य स्वयंवर है, सबकी दृष्टि में नाम राम का सबसे ऊपर है, सिया का भव्य स्वयंवर है, जनक राज का कठिन धनुष ले वही सिय को पार। विश्वामित्र का इंगित पाया, सहज राम ने धनुष उठाया, भेद किसी को हुआ न ज्ञात, कब शिव धनु तोड़ा रघुनाथ। निकट वृक्ष के आ गई बेली, सिय जयमाल राम उर मेली, शाश्वत अभिनव जोड़ी, जो उपमा दी जाए सो थोड़ी करे, दोनों दो मिल कांति कोटि रति काम की, हम कथा सुनाते पुरुषोत्तम गुण ग्राम की, ये रामायण है पुण्य कथा सिया राम की। डुबो कर राम के रस में, लव कुश ने किए जन मन बस में, आगे कथा पढ़ाते जाए, जो कुछ घटा सुनाते जाए। कैसे हुए विधिना की दृष्टि वक्र, सफल हुआ कैकेयी का कुचक्र, राम लखन सीता का वनगमन, वियोग में दशरथ मरण, चित्रकूट और पंचवटी, जहाँ जहाँ जो जो घटना घटी, सब विस्तार सब कथा सुना के, लव कुश रुके अयोध्या आके, गया विजय का पर्व मनाया, राम को अवध नरेश बनाया, अवध के वासी।
वो कर राम के रस में, लव कुश ने किए जन मन बस में। आगे कथा पढ़ाते जाएं, जो कुछ घटा सुनाते जाएं। अवध के वासी कैसे अत्याचारी, राम सिया के मध्य रखी संदेह की एक चिंगारी, कलंकित कर दी निष्कलंक बिहारी। चिंतित सिया आए न कोई आज पति सम, वनवास को गरिमा प्रदान कर वहाँ अपने दिन कैसे बिता रही है, इसकी एक झलक प्रस्तुत है। नंगी